बताया जा रहा है कि रजत ने कुछ ट्रांजैक्शन कर दिए थे जिसको लेकर उनको डांट पड़ रही थी। सुशांत भी उस दिन उनसे काफ़ी नाराज़ थे। उस वीडियो की सच्चाई क्या है? उस वीडियो में उसने ये था कि नाइट का टाइम था, रात को 10:30 बजे के करीब की बात है ये, और उस टाइम उसने बिना पूछे एक बॉय था जो पंकज करके लड़का था जो बॉय सर का, उसको हटा दिया था सर ने। तो उसको फिर उसने बिना पूछे मतलब उसने पेमेंट पूरा ट्रांसफ़र कर दिया था उसका जो भी था, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता था कि पहले पेमेंट कर दो, जो भी पेमेंट होता था मंथ के एंड में होता था। तो शांत भी बहुत नाराज़ थे। हाँ, उन्होंने यही बोला था कि किससे पूछ के किया तूने। तो फिर उसके बाद फिर उनके जीजा और बहन जो सिस्टर हैं वो दोनों फिर डांट लगाए थे, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं किया। पर प्रियंका या उनकी फैमिली कभी इस तरह नहीं करते थे कि नौकरों को निकाले या कुछ करे? नहीं, अगर निकालना होता तो उसी टाइम रजत को निकाल दिया होता। हाँ। जैसे मैं वहाँ था, मेरे को भी निकालते। लेकिन जो भी पुराना स्टाफ था उनको ये पता था कि पुराना स्टाफ कभी गलत नहीं करेगा, नहीं करेगा। और रिया के साथ ये इशू था कि रिया निकाल देती थी पुराने स्टाफ को आने के बाद? ऑलमोस्ट निकाल ही दिया था ना। किसको? फर्स्ट टाइम मेरे को निकाला, सेकंड फिर बाउंसर था वो निकला, फिर रजत निकला। अभी जो दो लड़के थे, एक कुकिंग में था, एक केशव करके, वो भी निकालने वाला था, और जो नीरज था उसको भी निकालने वाला था। तो मतलब सब ऑलमोस्ट निकली, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये दोनों भी निकल जाते। क्या रिया सारा फिनेंस और सब पे कंट्रोल करना चाहती थी सुशांत के? अभी एंड में तो यही पता चल रहा था कि सब उसके थ्रू ही हो रहा है जो भी। उसके मैंने दोस्तों से भी बात की तो बोले थे डिप्रेशन में नहीं था, कोई दवाई नहीं लेता था, इस बारे में आपको क्या जानकारी? डिप्रेशन तो हो ही नहीं सकता, कोई मान ही नहीं सकता कि ऐसा बंदा कभी डिप्रेशन में जाए। हाँ। कि इतना बड़ा बंदा है जो कि मतलब जो दिल खुल के करता था काम, जो भी मतलब उसको फिटनेस से लेकर हर चीज़ को पता था क्या करना है, ऐसा बंदा एकदम से बोलेंगे डिप्रेशन में गया? आपने कोई कहानी सुनी डिप्रेशन में जाने की? नहीं, उससे पहले नहीं सुना मैंने, कभी सुना नहीं। अभी एंड में पता चल रहा है, जब इनका सुसाइड हुआ तब मेरे को सामने दवाई लेते थे। दवाई हम लोग ऐसा कोई दवाई नहीं दिया, 3-4 साल में मैं जब था वो फिटनेस ट्रेनिंग के लिए वही जो नॉर्मल खाते थे, जो फिश ऑयल वगैरह ये सब लेते थे। ऐसा कि भी नहीं कि रेगुलर खा रहे हैं वो। रिया पे आप पे क्या आरोप है? आपको क्या लगता है कि क्या जो चीज़ें मीडिया में चल रही हैं, जो बातें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या पुलिस बता रही है, ये सही है रिया के बारे में? अभी तो जांच करने बाद ही पता चलेगा कि मेन चीज़ क्या है, लेकिन इंक्वायरी तो होना चाहिए, जो भी इंक्वायरी है बाहर आने चाहिए। सीबीआई की डिमांड करते हैं? हाँ, श्योर है कृष्ण, पूरा आप सहयोग करेंगे सीबीआई? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी एनी टाइम 24 आवर। लेकिन रिया के आने के बाद चीज़ें बदली। हाँ। नवंबर 2019 से चीज़ें बदलना शुरू हुई, जब से मैं हटा, मेरे को हटा दिया गया था अक्टूबर में, और ये लोग हीरो ट्रिप से जब आए थे उसके बाद मोस्टली चेंज हो गया था पूरा मोस्टली चीज़ें। ब्लैक मैजिक वाली बात आपके संज्ञान में, कि कोई कोई थाने से बंदा आता था ब्लैक मैजिक के लिए घर में? अब ये तो जो वहाँ पे स्टाफ रहता था, वहाँ पे जो दीपेश था, सिद्धार्थ था, इन लोग को पता होगा, या फिर आपने कभी सुना? मेरे सामने कभी ये बातें नहीं हुई, नहीं, क्योंकि सर के घर में ये चीज़ें नहीं हुई। अगर हुआ होगा तो उसके जो 1-1.5 महीने उधर रुके थे रिया के घर पे, उस घर में हो सकता है। सुना है आपने? सुना मीन्स एक आधा बार सुना था, लेकिन क्या क्या वो ये कि उनका नजर उतारने के लिए कोई आया था ऐसे सुनने में थाने से। हाँ, थाने इतना मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना सुना था कि उनका नजर उतारने अच्छा अशोक, आज आप खुल के थोड़ा हमसे बात करें, आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि क्या रिया के आने के बाद जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस होते थे और जो सब चीज़ें होती थी वो रिया ही करती थी? क्या उन्होंने सुशांत को फैमिली से एकदम दूर कर दिया था? हाँ, मुझे कब ये दिसंबर लास्ट 2019 की बात है, जब उनके सिस्टर और मैं गए थे मिलने सर से, तो उस टाइम जो मैसेज रिप्लाई आया था, सर कभी ऐसा रिप्लाई मैसेज नहीं देता था किसी। क्या रिप्लाई आया था? कि अभी मीटिंग में हूँ, बिजी हूँ, कभी मिलेंगे। किसको रिप्लाई किया था सर? उनके सिस्टर के मोबाइल पे आया था। अच्छा, और तुम और सिस्टर गए थे? हाँ, इधर ये वन कौन सी दीदी? ये प्रियंका और ये नीतू, दोनों थे। तो इनको सुशांत ने रिप्लाई किया था? ये नहीं पता, फोन ऊपर था, फोन ऊपर तो फोन से किसी ने रिप्लाई किया, किसने किया ये नहीं सब पता। जो दूरियां परिवार से बढ़ने लगी रिया की वजह से ही बढ़ने लगी थी। ये तो मुझे जब दिसंबर में पता चला उसके बाद मुझे भी डाउटफुल हो रहा था कि कुछ ना कुछ है जो कि उनके फैमिली से दूर कर रहे हैं। और कोई नहीं है कि मतलब, फिर जनवरी में आए थे वो लोग,
सिस्टर लोग। उसके बाद फिर सर भी चला गया था उधर पंजाब, पंजाब चला गया था। अच्छा तो ये क्या रिया जो थी, क्या सुशांत, आपको लगता है सुशांत के पैसे के लिए आई थी या कहीं ना कहीं पैसे पे उनकी नज़र थी, या कभी आपने सुना हो कोई ट्रांजैक्शन रिया कराती हो? रजत को कौन ऑर्डर देता था ट्रांजैक्शन करने के? पहले तो जब तक मैं था तो हम लोग डायरेक्ट सर से ही करते थे, जो भी सामान लेना हो या कुछ भी हो, जो भी जिसको भी पेमेंट करना हो तो डायरेक्टली हम लोग सर से ही करते थे कॉन्टैक्ट। बाद में पता चल रहा था कि सर नहीं बोल रहा, रिया बोल रही है, ऐसे सुनने में आया था। रजत को भी रिया बोलती थी? हाँ, मतलब मेरे को सुनने में जो आया था, इतना मैं भी वो नहीं हूँ इसमें, जो मैंने सुना वही बताया मैंने। अच्छा, रिया ही बोलती थी। ओके, और कुछ बातें, इम्तियाज खत्री का नाम आ रहा है कि वो कंट्रोल करता था, इम्तियाज के बारे में आप कुछ जानते हैं? इम्तियाज को मैंने खास देखा नहीं हूँ ज़्यादातर, तो कभी कभी पार्टी वगैरह में एक दो बार देखा हूँ उसको, इतना मैं जानता नहीं हूँ कि कौन है या क्या है, मैं इतना नहीं पता है मेरे को, इतना नहीं पता नहीं। अच्छा, और सुशांत के पास पैसों की तो कोई कमी थी नहीं? नहीं नहीं, उसके पास पैसों को लेकर तो कभी कमी नहीं हुई, पैसे लेके और उसको कोई ऐसा चीज़ होगी, बीमारी हो पहले से, ऐसा कुछ नहीं था उसमें, कुछ नहीं। तो आप भी CBI की मांग कर रहे हैं? हाँ श्योर है, पूरा सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। Let's now go across to Siddhant, who's joining us live and who spoke, in fact, to the Cook. Siddhant, the depression theory is being debunked by the Cook as well. Someone who stayed in the house with Sushant Singh Rajput, वो और भी कई खुलासे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि परिवार से सुशांत सिंह राजपूत दूर हो रहे थे और कई सारे बदलाव उनके स्टाफ मेंबर्स में किए गए। He says that all of it was being done by Riya Chakraborty. Well, you see, this was the second time Ashok has spoken to us. When initially Ashok spoke to us, he was not very open about certain details. But you know, gradually after 2 months, he realized that he needs to speak out what he knows about it. And he spoke to us, and he's confirming the fact that in the month of December, Swati, Ashok, along with Sushant's sister, went to meet him. And there was a text which came from Sushant's phone that he is busy. Now, Ashok says that Sushant can never text somebody saying that he is busy. It was deliberately done by somebody else. Ashok also adds on to say that that initially it was Sushant who used to handle all finances, take all the decisions. But after Riya coming in his life, she has taken over the entire financial decision making and other decision making. Not just that, Swati, Ashok also confirms the fact that that he also heard a lot of stories about black magic, nazar utarna, and all those things. So Ashok is somebody who was really close to Sushant, and he has come out after 2 months and has openly spoke to us, and he also demands CBI probe in this entire case. He also says that I'm going to cooperate with the CBI, whatever details they want from me. Right. And he also, and there was a video which came from Riya camp where Sushant's sister and brother-in-law can be seen shouting at the servant. Now he gives clarification on that also, that it was Sushant who was upset with that servant, and Sushant never fired any servant or shouted at any servant ever in his life. And that video is basically leaked to malign the image of the family and Sushant Singh Rajput. So he has given clarification on that video as well, because he can also be seen in that video. All right. So all these things are definitely happening, and the Ashok is somebody who was really close to Sushant. Siddhant, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हम आपके पास लौटते रहेंगे अपडेट्स के लिए। फॉर नाउ वी आर मूविंग ऑन, एंड व्हाइल द कोरस फॉर सीबीआई प्रोब इन सुशांत केस ग्रोज, महाराष्ट्र गवर्नमेंट गोज ऑन द डिफेंसिव एंड कंटिन्यूज टू shy away from the CBI investigation. The BJP has come down hard on Aghadi's defense, claiming political pressure on Mumbai police. महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र पुलिस ये सक्षम है। महाराष्ट्र पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस से होती है। इतकी पुलिस यंत्रणा महाराष्ट्र की असल्यानंतर ही जबाबदारी CBI ला देण्यासाठी राज्य शासनाचा आपला विरोध है, कारण की महाराष्ट्रामध्ये चांगल्या पद्धतीनं महाराष्ट्र पोलीस अतिशय चांगल्या पद्धतीनं प्रोफेशनली या सर्व सुशांत सिंगच्या केसचा तपास करते आहे। पण आता ही सध्या ही केस सुप्रीम कोर्टात आहे, आणि सुप्रीम कोर्टचा काय निर्णय येतो त्याच्यावर पुढच्या सर्व गोष्टी अवलंबून। अनेकांनी आज आपल्या नेतेमंडळाने प्रतिक्रिया दिलेली आहे, तेव्हा सुशांत सिंग राजपूतांचं प्रकरण आणि ते CBI मागणी ज्यावेळेला देवेंद्र फडणवीसांनी केली आणि आता त्यांना प्रभारीपद देणं हे राजकारण आहे असं आज आमच्या सगळ्या नेतेमंडळींनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे। आणि पण मुंबई पोलिसांवर कुठंतरी भाजप अविश्वास दाखवत आहे असं वाटतं, त्याच वेळेला झालं ना की ज्या 5 वर्षे ज्यांनी
गृह खातं सांभाळलं तेच आपल्या पोलिसावर संशय व्यक्त करतात, जी दुर्दैवी बाब आहे. स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की महाराष्ट्र पोलिसांवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. मी 5 वर्ष महाराष्ट्र पोलीस सोबत काम केलेलं आहे, त्यामुळे या पोलीसची क्षमता काय आहे याची पूर्ण मला कल्पना आहे. मात्र अनेक वेळा पोलीस राजकीय दडपणाखाली काम करतात, तसे राजकीय दडपणाखाली त्यांनी काम करू नये अशा प्रकारची आमची अपेक्षा आहे. आणि एकूण या प्रकरणामध्ये ज्या प्रकारची परिस्थिती तयार झाली त्यातनं जनभावना तयार झाली की हे प्रकरण सीबीआयला गेलं पाहिजे, आणि म्हणूनच ते सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचलंय. आता सुप्रीम कोर्ट त्याच्यावर योग्य तो निर्णय देईल. त्यामुळे महाराष्ट्राचे पोलीस आणि बिहारचे पोलीस ही तुलनाच होऊ शकत नाही. महाराष्ट्राचे पोलीस उत्तम आहे, पहिल्या दिवशीपासून मी सांगितलं.